नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, थाना कोतवाली शहर के नजीबाबाद बिजनौर मार्ग पर टाटा शोरूम के पास आम के बाग में एक युवक का शव पड़ा मिला था, जिसकी पहचान ग्राम पेंदा निवासी विजेंद्र के रूप में हुई थी। आज पुलिस ने घटना का अनावरण करते हुए ग्राम पेंदा निवासी शाहिद और आकिब को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपियों का मृतक विजेंद्र से खेलने के दौरान विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों विजेंद्र के पास आम के बाग में पहुंचे और उनमें गाली गलौज व हाथापाई के दौरान अभियुक्त शाहिद और आकिब ने विजेंद्र की गर्दन पर आरीनुमा चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया और विजेंद्र की बेल्ट से उसकी गर्दन पर फंदा लगा दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू, मृतक की बेल्ट, मोबाइल फोन व कपड़े भी बरामद किए। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।